यूपी में जहां तहां पान और गुटखा थूकने वाले हथियार पकड़े जाने पर करनी होगी जेब ढीली, सरकार ने लगाया इतना जुर्माना। नमस्कार दोस्तों, मैं गिरिजा वाधवानी और आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज। उत्तर प्रदेश में जहां तहां पान और गुटखा खाकर थूकने वालों की जेब अब ढीली हो सकती है। शहरी विकास विभाग के अनूठे अभियान मिस्टर एंड मिस पीकू ने अब ऐसे लोगों से 250 रुपए का जुर्माना वसूलने का काम शुरू कर दिया है। पहले इस अभियान को लखनऊ और आगरा में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया गया। इनकी सफलता के बाद अब इसे पूरे राज्य में लागू किया जाने वाला है। उम्मीद है कि इससे लोगों की पान और गुटखा चबाकर इधर उधर थूकने की आदत में कुछ सुधार आएगा। कभी पान और गुटखा चबाने और उसे हर तरफ थूकने के लिए बदनाम उत्तर प्रदेश की पारंपरिक छवि बदलने के लिए सरकार ने पूरी तरह से कमर कस कर तैयार कर ली है। इसके लिए शहरी विकास विभाग ने एक अनूठा अभियान शुरू कर दिया है। मिस्टर एंड मिस पीकू नाम का अभियान अब पूरे राज्य में सोमवार से शुरू होने जा रहा है, जिसमें पान और गुटखा थूकते हुए पकड़े गए लोगों पर 250 रुपए का जुर्माना लगाने का नियम बनाया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने वालों पर भी यही जुर्माना लागू होगा। स्वच्छ भारत मिशन की राज्य मिशन निदेशक नेहा शर्मा ने राज्य भर के नगर आयुक्तों को लिखे पत्र में कहा कि शहरों में सफाई रखने के लिए न थूके और न ही कूड़ा फैलाने का अभियान शुरू किया गया है। थूकने के अलावा यह अभियान सार्वजनिक जगहों पर पेशाब करने, खुले में शौच करने, जानवरों को खिलाने के लिए सार्वजनिक जगहों पर खाना फेंकने और गंदगी फैलाने वालों की भी निगरानी करेगा। इस अभियान को पहले लखनऊ और आगरा में शुरू किया गया था। ये उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख शहर हैं जहां हाल ही में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत बैठक हुई। लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने कहा कि 23 फरवरी को शुरू किए गए लगभग 10 दिनों के अभियान में हमने लोगों से 1.29 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला, जबकि आगरा नगर निगम ने अभी तक कुल जुर्माने की रकम को गिना भी नहीं है। फिर भी यह भारी रकम होने की उम्मीद है। दोनों शहरों में इस अभियान की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिलने के बाद इसे पूरे राज्य में लागू करने का फैसला लिया गया। बताया गया कि 6 लाख से कम आबादी वाले नगर निगमों में जुर्माने की राशि 150 रुपए होगी, जबकि नगर पालिका और नगर पंचायत के अंतर्गत आने वाले इलाकों के लिए 100 रुपए और 50 रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा। यह पहली बार नहीं है जब सार्वजनिक रूप से थूकने पर प्रतिबंध लगाया गया है। 2020 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने COVID-19 के संशोधित दिशा निर्देशों के तहत सार्वजनिक रूप से थूकने को दंडनीय अपराध बनाया था। यूपी सरकार ने भी ऐसे कई दिशा निर्देश जारी किए थे, लेकिन वे लोगों पर असर डालने में विफल रहे। अब क्या नया अभियान राज्य में बदलाव ला सकता है? यही लाख टके का सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।